हेलो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम समझते हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो जहाँ हम होल लेते हैं, और इकोनॉमी में हम इंडिविजुअल बेसिस पे लेते हैं या स्पेसिफिक एरिया देखते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स हमारी कंट्री की इकोनॉमिक्स क्या है, हमारी गवर्नमेंट, हमारे बिजनेसेस, हमारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो कैसे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, ये हम देखते हैं इकोनॉमिक्स में। वो हम पूरी कंट्री वाइज देखते हैं। लेकिन इकोनॉमी को हम एक स्पेसिफिक सेक्टर में देखते हैं, जैसे कि टाटा हुआ, रिलायंस हुआ, उनकी कंपनी, उनका इकोनॉमी कैसे काम कर रहा है, वो अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट कर रहे हैं, ये हम देखते हैं इकोनॉमी में। ये बेसिक डिफरेंस है इकोनॉमिक्स और। अब हम समझते हैं मैक्रो और माइक्रो में बेसिक डिफरेंस क्या है। मैक्रो जो है एज ए होल देखते हैं, माइक्रो एज ए इंडिविजुअल देखते हैं। सपोज एक घर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक घर में जो हाउस होल्ड प्रॉब्लम ये है कि हम कोई चीज़ खरीदने से पहले प्राइस देखते हैं, ठीक है। तो प्राइस एनालिसिस ये क्या आ जाता है, माइक्रो टॉपिक है, ठीक है। फिर हम क्या खाना बनाएं, क्या व्हाट और हाउ और होम, ये सब प्रॉब्लम जो हम एक इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं वो क्या हो जाएगा, माइक्रो, ठीक है। हमारी डिमांड कैसी है, हमारा सप्लाई कैसा है, जब हम एक इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं वो क्या हो जाता है, माइक्रो टॉपिक। वही मैक्रो के टॉपिक्स वो हो जाते हैं, जैसे कि एक कंट्री की पूरी नेशनल इनकम क्या है, ठीक है। फिर अगर कंट्री की नेशनल इनकम है तो उसमें मनी कैसे सर्कुलेट हो रही है, फिर उस कंट्री में इन्फ्लेशन है, फिर उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है कि कैसा, मतलब कंट्री में क्या क्या हालत है अनएम्प्लॉयमेंट की, फिर उस कंट्री में डिमांड एंड सप्लाई कैसी है, फिर अगर डिमांड एंड सप्लाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है या इन्फ्लेशन है, जो भी है, तो उस कंट्री को रन कराने के लिए बैंकिंग सेक्टर की भी ज़रूरत है, फिर उस कंट्री को मार्केट मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की भी ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है उस कंट्री के लिए, फिर ट्रेड और एक्सचेंज, मतलब जब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं वो मैक्रो लेवल पे, एक मतलब वो हम अपने कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वहीं हाउस होल्ड के पर्सपेक्टिव से हम ये देखते हैं कि हमारी फैमिली इनकम कितनी है, ठीक है, हमारा फैमिली में प्राइस एनालिसिस, हमारा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमारी डिमांड क्या है, ठीक है।